It is my request to all the rich brothers, whosoever has come to see this movie in this hall, that spare some money for the poor neighbors, as the education and equal opportunity of life is the birthright of every human being. खोली तुम दोनों ने तो देखो अभी जादू होगा, आगे खोलो देखा दो नहीं, 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 चलो स्कूल चलेंगे, स्कूल चलेंगे, चलो बच्चा नहीं तो और क्या? अरे बच्चा ही है, ले खा। ओहो मैं मुंह। अरे आगे खा लेंगे माँ। आगे खाएंगे माँ। चलो तो तुम्हारा स्कूल आगे उठो। देखो भैया, उतर जाती हूँ, लेकिन ये रही मेरी किताबों के लिए। और शाम तक मेरी किताबें आ जाएंगी। अरे आ जाएंगी भाई, आ जाएंगी। चल तेरी चप्पल भी आ जाएगी मिया। लड्डू तो खा। किस बात का? मंगनी का। किसकी? ठेकेदार की लड़की की। तो मैं क्यों खाऊं? अरे खुशी की बात है ना। तेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए खुशी की बात तो उस दिन होगी जिस दिन तेरी मंगनी के लड्डू खाऊंगी। लाली तेरा तो दिमाग चल गया, पागल हो गई है। अरे मेरी मंगनी के लड्डू खाकर तू खुश होगी क्या? टांगा चलाना छोड़, घास काट, घास दिमाग तेज हो जाएगा। इतना भी नहीं समझता, तेरी मेरी मंगनी के लड्डू कोई तो होंगे क्या?
चला बाजरे की रोटी खिला। लिखा क्या देख रहा है? खा ना। क्या देखे जा रहा है? मैं कुछ बदल से गई हूँ लाली? तू उस दिन कितनी भरी मालूम होगी जब तेरे हाथों पे लाल चूड़ा, तेरे माथे पे बिंदिया और तेरी मांग में साग का सिंदूर होगा। कल वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द आएगा लाली, बहुत जल्द आएगा। निर्दयी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं लाली, बस यही जरा सोना को दसवीं पढ़वा लूं, उसके हाथ पीले कर लूं। फिर तू कहेगा बिरजू को पढ़ा लिखा लूं, उसे दारोगा बना लूं, उसकी भी शादी कर दूं, उसके भी बाल बच्चे हो जाए। नहीं लाली नहीं, जिन शहनाइयों में सोना की डोली उठेगी उन्हीं शहनाइयों में दुल्हन बन तू मेरे घर आएगी। मेरे सर पे लाल पटका होगा, तेरे माथे पर बिंदिया, तेरे हाथों में लाल चूड़े और तेरी मांग में सुहाग का सिंदूर। सोचने क्या लगी? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? अरे निर्दयी, तेरी एक ही तो अमानत है मेरे पास, वो है तेरा विश्वास, जो कभी नहीं टूटेगा, जिंदगी भर नहीं टूटेगा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। इसका मतलब तुम बताओ। बैठ जाओ, तुम नालायक ही रहो। सोना, तुम इसका मतलब समझाओ। जी मास्टर जी, कबीर दास जी कहते हैं दुख में तो सभी भगवान का नाम लेते हैं पर सुख में कोई भी नहीं लेता। अगर सुख में ही भगवान का नाम लिया जाए तो दुख हो ही क्यों? शाबाश, आगे का दोहा पढ़ो। पढ़ो ना। मेरे पास किताब नहीं मास्टर जी। नहीं है तो फिर कैसे पढ़ोगी? किताबों के बगैर इम्तिहान कैसे पास करोगी? देखो, कल से मैं ये सब बातें नहीं सुनूंगा, कल से अपनी सारी किताबें ले आना। बहुत अच्छा मास्टर जी। बसुराज, आर्डर बचाना। वाह शाबाश जिंदू, वाह भाई वाह। रामू, ये लो दस आने। अच्छा मालिक, 4 रुपए। ये लो 12 आने। नमस्ते मालिक, ये 10 रुपए 12। बहुत अच्छे मालिक, तुम ईमानदार आदमी। ये लो 2 रुपए। मेहरबानी वाले, कितने कम? अच्छा ये लो आने। ये क्या बात है जग्गू, तुम हमेशा बहुत कम पैसे लाते, जरा मेहनत और ईमानदारी से काम किया करो। अच्छा वाले मुनीम जी, इन सब टांगा चलाने वालों में से कालू का कोई जवाब नहीं। मैं कहता मेरी किताब दे दो। नहीं देती। दे ना। नहीं देती, नहीं देती। कैसे? नहीं देती। दे किताब। देती हूँ बाबा, नाराज क्यों होते हो? चलो लो। आपने से बहुत सर पे चढ़ा रखा है पिताजी, अपनी किताब खो बैठते, मेरी किताब नहीं भागती। हाँ भागती पिटती हो, तेरी बहन नहीं हूँ क्या? देखी ना पिताजी मुझे हर वक्त डांटता रहता है। अरे अरे राजू, अरे किताबें तो मैं और आ जाएंगी अगले, तेरी एक ही तो बहन है, ना जाने हमारे पास और कितना दिन रहेगी। गंगा देख, तेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, आज तू जिंदा होती तो कितने खुश होती। खैर, मैं तेरे बच्चों को इतने बड़े घरों में ब्याहूंगा कि तू चुआ रही थी, रेट मैंने बिल्ली। कैट माने चुआ रेट मैंने बिल्ली। हाँ
कैट मैंने चूहा, रैट मैंने बिल्ली। अरे बुद्धू, रैट मैंने चूहा, कैट मैंने बिल्ली, इतना तो तेरा ये तागा चलाने वाला भाई समझता है? भैया तुम कहते हो ये दरोगा बनेगा। दरोगा नहीं बना तो क्या हुआ, मैं टांगा चलाऊंगा। अरे बिरजू, तू टांगा चलाएगा? बाप मेरा मरा है बिरजू, तेरा तो नहीं। पगले, तू तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, दारोगा बनेगा, दारोगा। तेरा काम है पढ़ना बेटी, इतना पढ़, इतना पढ़, इतना पढ़। अरे माँ, अरे माँ, ये तेरी पुरानी खांसी तो फिर से उखड़ गई है। चला चल, यहाँ लेट जा, खुली हवा में जरा यहीं लेट जा, चारपाई पर। लाख दफे कहा है कि जरा आराम किया कर, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है माँ। रहने दे बेटे, तू किस किस की सेवा करेगा, खुद ही दिन भर का थका हुआ। अरे मैं क्या थकूंगा माँ, इसीलिए तो कहती हूँ बेटा कि घर में बहू ले आ, सब झंझट खत्म हो जाएंगे। अरे माँ, मेरी शादी तो हो चुकी हुई है। क्या? मेरी शादी हो चुकी है। किससे? माँ ये देखना, ये अपने घर बार से, ये सोना है, इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लूं, अपना बिरजू बड़ा हो जाए, उसे दारोगा बना दूं, अपना जीवन सफल हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बकता रहता है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। भैया मेरी किताबें, भैया आज मुझे मास्टर जी ने बहुत डांटा और कहा अगर मैं कल किताबें नहीं लाई तो मुझे क्लास में नहीं दाखिल होने देंगे। अरे पगली, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, कल तेरी किताबें ले आऊंगा। कालू भैया मेरी चप्पल। हाँ बिरजू भैया, तुम्हारी चप्पल भी आ जाएगी। बुद्धू अकेली जान क्या क्या करेगा तुम। राम राम लाला। अरे चम्मक चल, बैठ बैठ ना। राम कसम, सुबह तुझे याद किया था जब लक्ष्मी जी को अगरबत्ती दिखा रहा था। हट चूटा मच्छर। गुड़ की डल्ली खाएगी? नहीं लाला। कुछ ठंडा कुछ गरम? फिर क्या खाएगी? दो सिर चावल। और? सिर भर दाल। और? पाव भर नमक। और बोल। ओहो तो चटांग भर मिर्ची तोल दे। और बोल और बोल। अरे मुच्छले, मैं बोलती ही जाऊंगी या तू कुछ तोलेगा भी? तोलता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन लाली, दिल कुछ चाहता है, नहीं क्या चाहता है क्या बताऊं, लेकिन दिल कुछ चाहता है। तेरा चाहना वाना गया चूल्हे में, सौदा बंद सौदा। जब तू मेरी दुकान पे आ जाती है ना लाली, तो राम कसम न जाने मेरे दिल में चाचा होने लगता है। ऐसा कर लाला, इस दिल को काट कर गंगा जी में फेंक दे, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, एक ना एक दिन तो ये करना ही होगा, क्योंकि तू 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 क्या लगा रखा है? मैं तू तू तू। बाय 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 बाय। पैसों की बात है लाला, तुझमें घबराते क्यों हो, परसों दे दूंगी। नहीं पैसे कौन मांग रहा है, पैसे कौन मांग रहा है, मैं तो तुम्हारे दर्शन का भूखा हूँ। क्या कहा लाला? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि तुम जब मेरे दुकान पर आती हो ना, मेरे दुकान की उधारी की बिक्री बढ़ जाती है, तुम्हारे पाँव शुभ है ना लक्ष्मी की तरह। ऐसी ही बातें किया कर लाला, वरना घास की तरह काट दूंगी। राम 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 राम। रोज जरा बचके पेशारी मेरा, टांगा लाहारी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। घोड़ा पेशारी मेरा, वो टांगा लाहारी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो, टांगे में आओ तो बैठो बादशाह किथे चले, टांगे थकेंगी यारो, टांगे में आओ, गर्मी बड़ी है प्यारो, पैदल ना जाओ, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। घोड़ा पेशौरी मेरा, वो तांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला।
बचना ओ जाने वाले मैं तुझ पे वारी बहन जी जरा बच के चलो आ बचना ओ जाने वाले मैं तुझ पे वारी टकरा ना जाए कहीं शाही सवारी रोता फिरेगा घर वाला फिरेगा घर वाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला घोड़ा पेशारी मेरा टांगा लाहारी मेरा बैठो मियाँ जी बैठो लाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला मजदूरी करूं झुकना ना जानू यार जी जरा रास्ता छड़ के हाँ मेहनत मजदूरी करूं झुकना ना जानू आंधी तूफान में भी रुकना ना जानू अपना साईं है रखवाला साईं है रखवाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला घोड़ा पेशारी मेरा टांगा लाहौरी मेरा बैठो मियाँ जी बैठो लाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला मैं हूँ अलबेला टांगे वाला किताबें नहीं लाई सोना मैं तुमसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि किताबों के बगैर गुजारा नहीं होगा क्लास से बाहर चली जाओ किताबों के बगैर अंदर क्लास में नहीं आना तुम इसके भाई हो जी देखो भाई अगर तुम इसे पढ़ाना चाहते हो तो ठीक तरह से पढ़ाओ इसके पास कोई भी किताब नहीं किताबों के बगैर इम्तिहान बैठना बहुत मुश्किल होगा मास्टर जी दो किताबों जितने पैसे तो मैं ले आया हूँ दो किताबों से काम नहीं चलेगा पूरी किताबों के बगैर मैं इसे इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दूंगा कल तक इसकी सब किताबें आ जाएंगी आज शाम तक तेरी किताबें ले आऊंगा चल तो घर जा
थैंक यू मैम। देवनगर ले चलो भाई। देवनगर चलिए। हाँ जी। जाने का मामला तो सरकारी है ना, ये आवक जावक का मामला अपनी मर्जी से थोड़ी होता है, जब बुलाएंगे जाना पड़ेगा। तो मैं भी तुझे अपने पास नहीं रखूंगी। अपने लिए तो दो ही ठिकाने हैं, एक ये और एक सरकारी। यहाँ से भगाओगी तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से निकालोगे तो यही आऊंगा ना। तो नहीं सुधरेगा, मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। बहनों का ऐसी बात करती हूँ तो क्या करूँ, जिंदगी भर तेरे कपड़े धोती रहूं, तेरे लिए खाना बनाऊं और तेरे लिए बदनाम हो जाऊं, यही चाहता है ना। लेकिन आपके मैं कसम खाकर कहता हूं कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा बस। अरे ऐसी कसमें तो तूने कितनी बार खाई है। लेकिन आपके मैं दिल से खा रहा हूं, पता नहीं क्या बात है। इसी बात पर एक चवन्नी दे देना। चवन्नी? तुझे चवन्नी दूं? अबे बे बे बे। अरे मैं तो तुझे एक पैसा नहीं दूंगी, तुझे माँ की कसम है। फिर तूने माँ का नाम लिया तो फिर और किसका नाम लूँ। माँ नहीं कहा करती थी कि बटे सर कर्म का खोटा है, दिल का खोटा नहीं, उसे किसी तरह से निभा लेना। निभा लेना? तुझे कैसे निभाऊंगी मैं? एक आइडिया मैं देता हूँ, पानी रोजाना मैं लेकर आऊंगा, रोजाना चवन्नी दिया करना, ठीक है ना। मैं पानी का बंदोबस्त करता हूँ, तुम चवन्नी का बंदोबस्त करो। अरे कालू, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? तू घर से आ रहा है कि घर को जा रहा है? घर जा रहा हूँ और रात भर काम किया है। हाय राम, रात भर काम करता रहा? जी। तब तो तू बहुत थक गया होगा। तेरे लिए चाय मंगाऊं? जी नहीं। लस्सी? बिल्कुल नहीं। दूध? वो भी नहीं। पानी तो पीएगा? वो तो बिल्कुल ही नहीं पीऊंगा। मुझसे बात तो करेगा? सो तो कर रहा हूं। ये तेरे हाथों में क्या है? ये दवाई है मेरी माँ के लिए, ये चप्पलें हैं बिरजू के लिए, और ये किताबें हैं मेरी सोना के लिए। और किसी के लिए कुछ नहीं लाया? पसंद आई? ये भी कुछ चूड़ियां हैं? क्यों? बिल्कुल बेकार, इससे तो मेरी ये चूड़ियां अच्छी हैं। मेरी लाई हुई चीज तुझे कभी कोई पसंद भी आएगी? देख कालू, नाराज मत हो, चीज अच्छी होगी तो अच्छी कहूंगी, बुरी होगी तो बुरी कहूंगी। अच्छी होगी तो अच्छी कहूंगी, बुरी होगी तो बुरी कहूंगी। देख देख चूड़ियों को। क्यों देख तू? अच्छी तो नहीं। अरे कालू, लाली इन चूड़ियों की भूखी नहीं, तुझे हंसता बोलता देख लेती हूँ, बस यही मेरा सबसे बड़ा सिंगार है, समझे? इसीलिए तो कहती हूँ टांगा चलाना छोड़, खास काट खास, अकल तेज हो जाएगी। लाली, अगर तेरी संगत में रहा तो घास ही काटूंगा, लेकिन आज से नहीं कल से, अकल तेज हो जाएगी ना। अरे निर्दय, खुरपे के माफक तेज कर दूंगी। सचमुच? तो फिर तो मैं आज शाम ही को आता हूं। और मांग में सुहाग का सिंदूर। अरे सुहाग के सिंदूर की बच्ची मेरी घोड़ी बाहर कोई खोल के ले गया है। घोड़ी? हाँ, ताला तो खड़ा, घोड़ी गायब। कहीं बटेसर तो नहीं ले गया? बटेसर? बटेसर कहाँ से आया? अरे मुआ, आज ही जेल से छूट कर आया है, जैसे जल्दी कर उसी का काम होगा। क्या इसका रंग, क्या इसकी गर्दन, चाल ऐसी के बिजली से तेज, ताने में जोत दो तो हवा से बातें करे, रेस में दौड़ाओ तो हजारों रुपए कमाओ। तुम समझे कि नहीं समझे भाई, मैंने इसको एक मेले में से खरीदा था, अभी जरा करके ना, इसलिए बेचारे को बेच रहा हूँ। ओहो, तुम अभी तक सोच ही रहे हो? अरे भाई खीसे में हाथ डालो और माल निकालो ना। मैं इसके 75 रुपए दूंगा। क्या कहा 75 रुपए? कोई चोरी का माल है क्या? अच्छा, वो पुलिस वाला आसपास नहीं है? कह दिया एक दफे बस। अच्छा सुनो तो सही, ऐसा करो कि 100 रुपए दे दो, पूरी नोट, पूरी नोट।
अरे खिसे मार डालो, निकालो ना भाई जल्दी से ये। नहीं बोल दिया लोग बराबर बेच देगा, चलो चलो जाते ऐसे खाली पीली बोल लगा थोड़ा दे दो करके। हाँ इतना अच्छा घोड़ा है कौन बेचेगा? ये तो तुम हमेशा बोलती हो। भाई पानी में डूब मत। ये भी हमेशा बोलती हूँ। ये पहली बार बोला। मेरी बाल्टी किधर है? बाल्टी बाल्टी नहीं बेची, हालांकि गिलास मौजूद था। घर आना खाना खाने से घर नहीं आऊंगा, आज पड़ोसी के दावत है। तुम तो बोलते थे घोड़ा मेरा है, तुमको क्या मालूम उसके साथ हमारे क्या रिश्ता है? हम उसका बहन नहीं, नहीं वो हमारे बहनों ही, हम उसका साला है, उसका माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल, समझे ना? कहाँ आके चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या चाल है घोड़े की? जवाब नहीं है। सर आगे बैठिए। अरे मैं तो कहता हूँ चलाने वाले का भी जवाब नहीं है, सौ मार दो में मुंह चूमने को तबियत करती है सर। देख बेटे सर, आज तो तुझे चवन्नी नहीं मिल रही। और आज मुझे चवन्नी चाहिए भी नहीं, आज तो मैं सैर करना चाहता हूँ तांगे की। देख बेटे सर, इस तांगे में अगर तू बैठेगा ना तो मैं तो चलाऊंगा नहीं, तू चला ले ले मैं चला। कालू भाई तुम तो खामा खा नाराज हो रहे हो। बात असल ये है, आज देखो ना मौसम कितना अच्छा है। नहीं नहीं जरा सैर सपाटे को तबियत करती है। अगर आपका सैर सपाटे को जी चाहता है मेरा पाँव पहुँच चलिए। अपनी तो किस्मत ही खराब है, घर में जाता हूँ तो बहन मारती है, बाहर आता हूँ तो बहनों ही मारता है, मेरा मतलब एक होने वाला, और इधर उधर जाता हूँ तो पुलिस पकड़ती है। बहन से बोल देना कि मैं चला गया किसी कुएं या बावली में। अरे सर चल तुझे आज सैर कराई दे। ऐसा? अरे वाह तेरे बच्चे जीते रहे। है? गलती 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 आइंदा नहीं होगी। हाँ अच्छा तो बटेश्वर फिर मिलेंगे। अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो चाची जी को नमस्ते भी कर लूँ और बच्चों को आशीर्वाद भी दे देता हूँ। देख बटेश्वर, बच्चों को आशीर्वाद भी मैं दे लूंगा और चाची को नमस्ते भी मैं कर लूंगा। देखो ना कालू, ये तो कोई बात नहीं हुई यार, तू तो गले ही पड़ गया। बात असल ये है कि चाची जी के हाथ की रोटी खाई। बटेश्वर रोटी भी वही खा लूंगा। और देख बटेश्वर बात ये कि तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगा। कोई जवाब नहीं? हाँ कोई जवाब नहीं। अच्छा तो मैं तुझे ही खुश कर देता हूँ, चवन्नी दे दे, मैं होटल में खा लूंगा बस। ले के बनी सो तू ले जा। क्यों सोना, ले तेरी किताबें ले आया। मेरी किताबें? अब तो माफी मारेगा मारेगा, अब मारेगा तो मैं उधर पी लूंगा मारेगा। दवाई खा ली? दवाई की क्या जरूरत थी बेटा, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊं। अरे माँ खांसी भी कहीं बगैर दवाई की ठीक हुई है? तू पैसे वैसे की चिंता मत किया कर, ले पकड़ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। महेंद्र पकड़ो, कहीं छोड़ दे ऐसे। ये लोग कहते हैं कि मैंने कटोरा चुरा लिया, भला मैं कटोरा क्यों चुराने लगा? क्या कटोरा? क्या भाई साहब, आपकी खिड़की में से आप ही का कटोरा। ये देखिए चोर कहीं का। बटे सर तेरी अकल को क्या हो गया अभी? कुछ तो शर्म किया है क्या कर रहा है? बात असल ये है कि मैं दूसरे का कटोरा चुराता तो ये लोग मारते भी और हवालात में भी दे देते, इसीलिए मैं अपने यहाँ चोरी करता हूँ, समझे ना? अपने यहाँ चोरी करता हूँ। रजाइए आप लोग, चलो जाओ तुम भी जाओ। चलो बटे सर इधर तो आ जरा, तुझे कुछ तो शर्म करनी चाहिए है। अभी तुझे चवन्नी भी मुझसे ली, पैसे भी मुझसे लेता और कटोरी भी मेरी चुराई। तो एक चवन्नी और दे दो बस। एक अच्छा, चवन्नी और दे दो। मैं स्कूल जा रही हूँ। सुना एक दो तीन चार, मैं तो स्कूल छोड़ाऊ। नहीं निकालो भैया, मैं खुद चली जाऊंगी। उधर क्या कर रहा है? नमस्ते करने बैठा है, चोरी आप दिखा रहा है। अच्छी बात, इसे कहाँ लिया जा रहा है? चल माँ बदौलत बहुत खुश है, कार्रवाई जारी रहे। क्या पाव पाए हैं सरकार ने। वाह क्या बाजू है, सुभान अल्लाह, क्या हिरन जैसी गर्दन है, वह हरी आंखें, हरी भवे ये लटे, कुर्बान जाऊं बलैया ले लूं। अबे खड़े चमके, इसको दो पैसे इनाम दिया जाए। जजाक अल्लाह, क्या दिल पाया है हुजूर ने, क्या जिगर है, क्या फेफड़े हैं आपके पास। अब एक चमचे, क्या नंबर है बे तेरा? पांच हजूर। चमचा नंबर पांच, हम ज्यादा तारीफ के आदि नहीं है, समझे? खमर क्या तेवर है? अबे अबे रुक क्यों गया, कार्रवाई जारी रहे। उठिए उठिए हुजूर,
देखिए क्या इसको मंजिल की तरफ जा रहा है। लाला लड़के तमाम चमचाओ जी हुजूर यही मुकाम रहे। राम राम लाला हटो रास्ता छोड़ दो आज हम जा रहे हैं। कहाँ? फरमाने। क्या फरमाने? दूसरे फरमाने ईसक फरमाने। अरे भाई सुना तुमने ऑलरेडी चमचा लाला जा रहे हैं इश्क फरमाने। मैंने कहा संभल कर इश्क फरमाना मोहब्बत अंधी होती है। 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 हाय हाय कहीं ठोकर न खा जाना मोहब्बत अंधी होती है। कहीं ठोकर न खा जाना मोहब्बत अंधी होती है। कहीं ठोकर न खा जाना मोहब्बत अंधी होती है। जब तिरछी नजर नाजुक कलाई देख लेता हूँ तो मैं बंदे की सूरत में खुदाई देख लेता हूँ। अरे तुमसे हजारों लुट गए आंखों के कूचे में। अरे तुमसे हजारों लुट गए आंखों के कूचे में। अरे तुमसे हजारों लुट गए आंखों के कूचे में। अरे तुमसे हजारों लुट गए आंखों के कूचे में। अजी आंखों के कूचे में। अरे आंखों के कूचे में। हसीनों के मैं हाथों की सफाई देख लेता हूँ। लाला हाँ कहीं धोखा न खा जाना मोहब्बत अंधी होती है। कहीं धोखा न खा जाना मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। संभल कर इश्क फरमाना मोहब्बत अंधी होती है। अरे ओ इश्क के मारे जरा सुन दास्ता अपनी किसी को दिल दिया तूने। हाय हाय तो दिल अपना न जा अपनी। कोई नाजुक हसीना मुझ पे गर कुर्बान हो जाए। अच्छा वाह वाह कोई नाजुक हसीना मुझ पे गर कुर्बान हो जाए। कोई नाजुक हसीना मुझ पे गर कुर्बान हो जाए। कोई नाजुक हसीना मुझ पे गर कुर्बान हो जाए। अजी कुर्बान हो जाए। अरे तो सच कहता हूँ उस पर मैं लुटा दूंगा दुकान अपनी। सदके जवा कहीं पागल न हो जाना मोहब्बत अंधी होती है। पागल न हो जाना मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। इश्क फरमाना मोहब्बत अंधी होती है। बड़ी भोली बेचारे आशिकों की जात होती है।
के पहले खेल में ही इनकी बाजी मात होती है। नजर के खेल का जालिम मजा देखा नहीं तूने, हाय मजा देखा नहीं तूने, मजा देखा नहीं तूने, मजा देखा नहीं तूने, नगर के खेल का जालिम मजा देखा नहीं तूने, मजा देखा नहीं तूने, मजा देखा नहीं तूने। लगे जब जख्म तो हर जख्म में कुछ बात होती है। जरा बज के रहना, कहीं चक्कर न खा जाना, मोहब्बत अंधी होती है, कहीं चक्कर न खा जाना, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है, संभल कर इश्क फरमाना, मोहब्बत अंधी होती है, संभल कर इश्क फरमाना, मोहब्बत अंधी होती है, संभल कर इश्क फरमाना, मोहब्बत अंधी होती है। ये लो 15 आने राजा, 5 रुपया। ये लो 15 आने माली। ये क्या हुआ झिंगू, ये चोट कैसे लगी? कल रात शराब पीकर जग्गू ने मारा मुझे और सारे पैसे भी छीन लिए। जग्गू ने शराब पीकर मारा तुमने और पैसे भी छीन लिए? अच्छा तुम उधर बैठो। आज कितने पैसे लाए हो जग्गू? 3 रुपए। बस यही कमाई है तुम्हारी? कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए। जितनी सवारियां मिलती है मालिक उसके पैसे ले आता हूँ। क्या कमाते हो और क्या लाते हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ जग्गू। दूसरे भी तांगे वाले हैं, वो कहाँ देश में ज्यादा पैसे कमा लाते हैं। अब फिर कालू जो तुम्हारा साथीदार है उसके पास भी वैसे घोड़ा टांगा जैसा तुम्हारे पास, वो कहाँ देश में ज्यादा पैसे कमा लाता है। ये मैं क्या जानू, उतने ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? इसलिए ज्यादा कमाता है कि वो नियत का साफ और दयानतदार है। और मैं चोर आपके पैसे खा जाता हूँ, ये समझते हैं आप? ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो फिर अपने सारे टांगे कालू से चलाया कीजिए, देख लूंगा कितने कमा के लाएगा। एक तो बेईमानी करो और दूसरे गुंडागिरी भी। कल रात झिंगू को क्यों मारा तुमने, क्यों उसके पैसे छीने? ये मेरा जाति मामला है ठेकेदार साहब, आप इससे बोलने वाले कौन होते हैं? जग्गू देखो जग्गू, क्यों अपने पैसे को बदनाम करते हो, अपनी रोजी रोटी में लात क्यों मारते हो? जाओ ठेकेदार से माफी मांग लो, जाओ। अपनी माँ बहनी होती है,
नहीं था। कहाँ इतनी देर लगा दी? अगर आज आपका वो तांगे वाला कालू नहीं होता तो मेरी लाश ही मिलती आपको। लाश मिलती? क्या हुआ? एक गुंडे ने घेर लिया था मुझे, वो तो ऐन मौके पर कालू भैया ने आकर मेरी रक्षा कर ली। कालू ने मेरी इज्जत बचाई, कालू ने मेरी इज्जत बचाई। कालू, 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 कालू चला गया पिताजी। हाँ, कालू चला गया। कितना नेक इंसान है। आज से तुम्हें मैट्रिक का फाइनल इम्तिहान देने के लिए छुट्टी दी जाती है। छुट्टी के दिनों में तुम्हें पढ़ने लिखने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने दाखिले की फीस भर दी है, अभी तक तुमने फीस जमा नहीं की है? जी नहीं, अभी नहीं सका। मंगलवार बहुत करीब आ गया है सोना। मैं जानती हूँ। अपने भाई से कहो दाखिले की फीस, वरना तुम्हारा साल बेकार हो जाए। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे पास में होता तो तुम्हारी फीस माफ करा देता। तुम बहुत काबिल लड़की हो, हिम्मतदार हो। अपने भाई से कहो किसी तरह दाखिले की फीस जमा कर दे। समझी? जी। शाबाश। दिन बेकार गया, इतने झमाके से बारिश के चार रुपए भी तो नहीं कमा सका। अरे तू भी भीग गया क्या? अरे मैं थोड़ा सा तो भीगना ही था ना। चल जरा ऐसी बात पर बेटे को गरम गरम चाय पिला। भैया, भैया, मेरा सालाना इम्तिहान शुरू होने वाला है। सालाना इम्तिहान शुरू होने वाला? अरे तो होने दे, मेरी बहन तो अव्वल आएगी। तो अव्वल आने के लिए मुझे कल 50 रुपए चाहिए। 50 रुपए? 50 रुपए किस बात के? दाखिले की फीस देनी है। ये दाखिले की फीस क्या होती है? भैया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में बैठने के लिए जो फीस दी जाती है ना, उसे दाखिला कहते हैं, और वो है 50 रुपए। 50 रुपए? कुछ कम नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल कम नहीं हो सकते। और भैया, मुझे ये रुपए परसों तक चाहिए। 100 रुपए चाहिए? अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकता भैया, तो रहने दो, मैं अगले साल इम्तिहान में बैठ जाऊंगी। सोना, इम्तिहान में तू इसी बरस बैठेगी, अगली अगले बरस तेरा भैया क्या तांगे वाले से ठेकेदार बन जाएगा? नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हुआ, आपकी साइकिल बिगड़ गई? जी हाँ, चेन उतर गई। मैं कुछ जी, जरा आप मजे करते, बहुत मेहरबानी होगी। आइए ना। जरा यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। क्या हुआ? कुछ भी। कल तो मैं आपका नाम पूछने ही भूल गया। सोना, लोग मुझे राजू कहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं जमात। मैं बीए में पढ़ता हूँ। कॉलेज में? जी हाँ, 10वीं पास करने के बाद आप भी तो कॉलेज में आ जाएंगे। अगर भैया ने भेजा तो जरूर जाऊंगी। क्या करते हैं भाई साहब आप? टांगा चलाते हैं। टांगा चलाते हैं?
बहुत अच्छे ख्यालात हैं उनके जी। मेरा मतलब बहुत ही अच्छा आदमी। शाही बाजार कचहरी चौक चाराना सवारी, 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 शाही बाजार कचहरी चौक तीन आना सवारी, चलो भाई शाही बाजार कचहरी चौक तीन आना सवारी, आओ भाई कचहरी चौक चाराना सवारी आइए बाबू जी, तीन आना सवारी तीन आना सवारी, शाही दरवाजा कचहरी चौक तीन आना सवारी, आइए बाबू जी आइए बाबू जी आइए बाबू जी तीन आना सवारी, ये मेरा नंबर हट जाओ मैं यही लूंगा कालू, बाबू जी तीन आना सवारी कचहरी चौक शाही दरवाजा आजा, जग्गू तुम मेरे साथ फोटो मत करो यहाँ से चले जाओ मुझे जल्दी है, शाही दरवाजा आइए बहन जी तीन आना सवारी, जग्गू क्या बात है झगड़ा क्या है, हवलदार साहब ये मेरा नंबर मैं ही सवारियां लेकर जाता है, झूठ बोलता है हवलदार साहब, किसका नंबर है, हवलदार साहब ये नंबर कालू का है, चले जाओ यहाँ से जाओ, आइए बहन जी आइए आइए चारना शाही दादा चारना आइए 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 अगर फोन का इंतजार नहीं हो सकता भैया तो रहने दो मैं अगले साल इम्तिहान में बैठ जाऊंगी, सोना इम्तिहान में तू इसी बरस बैठेगी, अगली अगले बरस तेरा भैया क्या तांगे वाले से ठेकेदार बन जाएगा, अगर रिपोर्ट का इंतजाम नहीं हो सकता भैया तो रहने दो मैं अगले साल इम्तिहान में बैठ जाऊंगी, सोना इम्तिहान में तू इसी बरस बैठेगी, अगले बरस तेरा भैया क्या तांगे वाले से ठेकेदार बन जाएगा, नहीं साहब चार रुपए लूंगा, अच्छा तो चलो Thank you.
जिंदगी के सहारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं, मैं क्यों डूब जाऊं, किनारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं। सहारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं। तुम्हारी अदाओं को पहचानता हूँ, तुम्हारी अदाओं को पहचानता हूँ, तुम्हें तुमसे बेहतर तो मैं जानता हूँ, निगाहें सलामत नजारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं, अभी जिंदगी के सहारे बहुत हैं।
की महफिल नहीं है, ये मंजिल का धोखा है, मंजिल नहीं है, ये महफिल बहारों की महफिल नहीं है, ये मंजिल का धोखा है, मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। कब तक बैठी रहोगी? जब तक कालू नहीं आएगा मुझे नींद नहीं आएगी बेटी। न जाने आज वो कहाँ चला गया। जाएंगे कहाँ, भैया को तो जिद सवार हो जाती है। देखना दाखिले के 50 रुपए लेकर ही आएंगे। भैया आ गए। कालू भैया, भैया 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 लाओ मेरे रुपए, मैं कल सुबह होते ही फीस भर दूंगी। अरे कहाँ चला गया था कालू, 50 रुपए लाने में आज इतनी देर लगा दी बेटे। आज तो मजा आ गया माँ, मजा आ गया। क्या हुआ? आज तेरे बेटे ने लाखों रुपए अपने हाथ से उड़ा दिए माँ। आज मैं उस दुनिया से आ रहा हूँ माँ, जो रुपयों की बारिश होती है, जहाँ जिंदगी हंसती है, खेलती है, मुस्कुराती है माँ। देखा माँ, मैं कहती थी ना भैया जरूर रुपए लाएंगे, तभी तो इतने खुश है भैया। आज मैं समझा माँ कि दुनिया किस कदर हसीन, किस कदर रंगीन है माँ। किसी के चेहरे पे गम था, जिसे देखो मुस्कुराए जा रहा था, खेले जा रहा था, नाचे जा रहा था माँ। ठीक है कालू, पर सोना के दाखिले के 50 रुपए तो लाए। 50 रुपए की बात कर रही है और मैं लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ माँ, लाखों रुपए की। आज इसका दिमाग चल गया है माँ। क्या बताऊ माँ, अगर तुझे मैं वहां की एक एक खुशी बयान करूं ना तो तू हैरान रह जाएगी माँ। मैं शायद उस रंगीन दुनिया से कभी ना लौटता, पर मेरा पांव फिसल गया। कालू कहीं ये तेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया? पागल ही तो हूं। क्या कह रहा है तू? माँ अगर मेरा बस चले ना तो दुनिया के तमाम गरीबों को पागल खाने में बंद करवा दूं माँ, पागल खाने में, पागल खाने में। इस दुनिया में गरीबों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर कोई गरीब महलों को सपने देखता है ना तो अपने आप को धोखा देता है। मैं भी अपने आप को धोखा देता रहा, चला था इन्हें पढ़ाने, इनकी तकदीर बदलने। इंसान इंसान की कभी तकदीर बदल सका है क्या? तांगे वाले का भाई तांगा वाला ही तो बनेगा, तांगे वाले की बहन तांगे वाले ही को तो ब्याही जाएगी, तांगे वाले को तो ब्याही जाएगी, तांगे वाले को तो ब्याही जाएगी। अगर भगवान तू मुझे कहीं दिख जाता ना तो मैं तुझसे सिर्फ एक बात पूछता, सिर्फ एक बात, कि तूने गरीबों को इस धरती पे जन्म क्यों दिया? पर भगवान है कहां जो मैं पूछूंगा, ये तो सब एक तमाशा है, सब एक तमाशा है। ऐसा न कहो बेटे, भगवान को तमाशा न कहो। माँ ये तमाशा नहीं तो और क्या है माँ? मैंने सोना लाली मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां मैं सिर्फ 50 रुपए के लिए खड़ा तरस रहा था ना, वहां लाखों रुपए अय्याशी में उड़ाए जा रहे थे, अय्याशी में उड़ाए जा रहे थे माँ। ये तांगा किसका है भाई? ये तांगे वाला कौन? ये तुम्हारे तांगे की जरूरत है। कहाँ जाना है? मिर्जापुर। 50 रुपए लूंगा। 50 रुपए मिल जाएंगे? 50 रुपए मिल जाएंगे माँ? कल सोना की ठीक जाएगी माँ, कल सोना पड़ेगी माँ, इसकी शादी होगी माँ, बिल्कुल बढ़िया करूंगा मैं माँ। माँ भगवान है, माँ भगवान है। चल चल मिर्जापुर, माँ अभी आता हूँ। Thank you.
झूठ बोलते हो, ये मोह लेकर जा रहे हो। क्यों लेकर जा रहे हो? शराब? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सामान लेकर मैं तो गोडाउन जा रहा था। इसका फैसला पुलिस स्टेशन पर चलकर होगा, इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कालू गिरफ्तार हो गया? लाली, लाली, इसमें रोने की क्या बात पगी? तुम्हारे साथ धोखा हुआ है कालू, उसने तुम्हें। इंसान के साथ ही तो धोखा होता है। भैया, भैया, भैया तुम्हें क्या हो गया भैया? कालू, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। माँ रो मत, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे कुछ नहीं होगा, अगर तो हिम्मत हार जाएगी तो मैं क्या करूंगा, सोना क्या करेगी? चूल्हे में जाए सोना, इसके पास इसकी वजह से आज तुझे जेल में आना पड़ा। पास क्यों कोस रही है? कोसना है तो मुझे कोस, मैं इसे पढ़ाना चाहता था। ये तो मेरी बदनसीबी है कि 50 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर सका। बंद हो गया। मत जाओ, लाली ले जाओ। मुझे इतने वक्त के लिए माफ कर दे। इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? अगर तुम्हारा बेटा इसे पढ़ाता है तो क्या बुरा करता है? हम जैसे गरीबों में कितने ऐसे कालो हैं जो अपने बहनों को पढ़ाते हैं और अच्छे घरों में उनकी शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हें तो अपने औलाद पे घमंड होना चाहिए बहन। ये मेरे पति की मेरे पास आखिरी निशानी है, वो भी तुम्हें दे रही हूँ लाला। माल सोने का है लेकिन सोना जरा नरम है। एक बात कहूं, ईमानदारी से मैं इसके 40 रुपए दूंगा। 40 रुपए? लेकिन मुझे तो 50 रुपए की जरूरत है लाला, मेरी बच्ची का। बच्ची की कोई बात नहीं, अगर 50 रुपए का माल होता तो मैं 50 रुपए दे देता। एक बात कहूं लाला, 40 रुपए इसके दे दो और 10 रुपए की मुझसे कुछ मजदूरी करवा लो। मजदूरी? तुम पत्थर धो सकोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो 1 घंटे के बाद आ जाना, मेरा नया मकान बन रहा है, वहां मैं तुम्हें काम पे लगाऊंगा। जरूर आ जाऊंगी लाला, जरूर आ जाऊंगी। तेरे बच्चे जी है लाला, तेरे बच्चे जी। मुकदमे की तारीख पे मुझे उनको अदालत में हाजिर करना आपकी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, जब मैंने उसकी जमानत ली है तो उसे हाजिर करना ही पड़ेगा। थैंक यू, ये रहा तुम्हारा सामान। बोझ उठा ले ओ, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले। ईंट और पत्थर बोझ नहीं है, बोझ है तेरी गरीबी। बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले। भूख
ने हमको जन्म दिया, मेहनत ने हमको पाला। भूख ने हमको जन्म दिया, मेहनत ने हमको पाला। सिर्फ अपने बाहों का बल है, सिर्फ अपने बाहों का बल है जो पापों को टाले। बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले। ईंट और पत्थर बोझ नहीं है, बोझ है तेरी गरीबी। बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले। न डोले हाथ न कांपे, सांस न तेरी फूले। पांव न डोले हाथ न कांपे, सांस न तेरी फूले। खून पसीना एक हो पर ये बात न तुझको भूले। खून पसीना एक हो पर ये बात न तुझको भूले। घर पर रास्ता देख रहे हैं, घर पर रास्ता देख रहे हैं भूखे बच्चे वाले। बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले। ईंट और पत्थर बोझ नहीं है, बोझ है तेरी गरीबी। बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले साथी, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले, बोझ उठा ले। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, कालू। माँ देखा, तू आप खड़ी क्यों? आइए बैठिए ना।
पूछो तो सही क्या लिखा है आज आपने। आज का पर्चा बहुत दिलचस्प है। जी हाँ। कागा सप्तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, तो नैना मत खाइयो, पिया मिलन किया। क्या मतलब हुआ इसका? नायक के दर्शनों के लिए बेचैन नायिका कव्वे से कहती है, मेरे मरने के बाद तू मेरे तन का एक एक टुकड़ा खा लेना, पर मेरी दो आंखें मत खाना, ताकि किसी दिन उन्हें पिया के दर्शन हो जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। और ये दूसरा दोहा, तनक कंकड़ी के पड़े नैना भय बेचैन, वो नैना कैसे जीवे जिन नैनों में नैन। ये तो और भी आसान है जी। तनिक कंकड़ी के पड़े नैना भय बेचैन, आंखों में जरा सी कंकड़ी पड़ जाए तो आंखें कितनी बेचैन हो उठती हैं, वो नैना फिर कैसे जीवे जिन नैनन में नैन। हर दिन आंखों में आंखें पड़ जाए। जिन आंखों में आंखें पड़ जाने का मतलब? यानी जिन आंखों में कोई बच जाए तो क्या हाल होगा। क्या हाल होगा? अपने आप को मेरी आंखों में ना देख सकी इसलिए आंखें बंद कर ली। राम राम लाला। हाय हाय चम्मक छल्लो, गुड़ की डल्ली खाएगी? ए मुछल्ले, मुझे उखाड़ के रख दूंगी। हाँ हाँ तेरी सादा। कालू, अरे जाने देना, कालू मर जाएगा बेचारा, तू भी कभी कभी गीदड़ों से उलझ पड़ता है, छोड़ दे इसे। गर्दन तोड़ के रख दूंगा लाला अगर तूने शहर की किसी भी लड़की को छेड़ा तो। कहा था ना लेने के देने पड़ जाएंगे, कहां गई तेरी जवान हड्डियां? आई कालू। अरे जवान हड्डियां मैं अभी दिखाता था लेकिन मौका कहां दिया, मौका आने से फिर दिखाऊंगा। क्यों लाला? आ भाई पटे सर, तू भी आ। क्यों लाला, क्या हाल है? अरे हाल है ना चाल है बस। पटे सर एक बात तो बताओ, ये तेरी बहन के साथ आजकल कौन घूमता है? कोई हो लाला, बात क्या है? नहीं अपने आप को बड़ा तिस्मार का समझता है, मुझसे पिटते पिटते बच गया। राम कसम कभी गुस्सा आया तो उसकी हड्डी बस्ती तोड़ दी। लाला तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, थूक दो थूक दो। अच्छा तू कहता है तो ये थूक। गुड़ की डल्ली खाएगा? अरे तुम्हारा माल और छोड़ दो। ले एक डल्ली खाएगा 100 दिन मुंह मीठा रहेगा। अच्छा लाला मालूम होता है कोई खास काम है, क्या है बता दो फौरन। एक खास काम तो है लेकिन ये तेरे बस की बात नहीं है। क्या कहा? मेरे बस की बात नहीं? तुम बताओ तो सही लाला, पलक झपकते ही काम होगा, और अगर नहीं हुआ तो तुम अपनी मूछे निकाल कर मेरे गले में लटका देना। ये बात है? हाँ ये बात है, मगर काम तो बोलो। बोलू? हाँ बोलो, कर जाओ हिम्मत। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर लाली को मनाता हूँ। लेकिन वो तेरी बात मानेगी? अरे मानेगी कैसे नहीं, बहन मेरी है या तुम्हारी। लाओ 100 रुपए निकालो। 100 रुपया? शुभ काम में देर नहीं करते, मैं जाकर अभी लाली को भेजता हूँ, शादी के लिए मनाना तुम्हारा काम है और भेजना मेरा काम। ये ले 100 रुपया। ये रखो गुड़, मुंह मीठा करो। अच्छा मैं चलता हूँ। बटे सर उसको कहना चाहे बंधन के आना। तुम भी बंधन के रहना, मैं भेजता हूँ। अच्छा राम राम। बटे सर मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी भेज रहा। लाली तो आ गई, लाली तो आ गई, लाली तो आ गई। लाली आज मेरी कई बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। मैं जानता था कि तू मुझे दिलो जान से चाहती है,
पर न समय तेरे पास था न समय मेरे पास था, न तू बोल पाती थी न मैं बोल पाता था, उधर तू शर्माती थी इधर मैं शर्माता था। आ, आ, ये तिजोरी में सब माल भरा है, ये सब माल शादी के बाद तेरा है, अब तेरा चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। ये देख चांदी के बर्तन, लाली लाली ये देख चांदी के बर्तन, ये शादी के बाद सब तेरे होने वाले हैं, मैं तेरा हूं ये सब तेरा है, अब तेरी बिंदिया तो देखूं। लाली अब शर्माती क्यों है, बोल ना। आहा, घास काट काट के उंगलियां कितनी सख्त हो गई है, ये धूप में पैर कितने काले हो गए हैं। रानी मैं तुझे कुछ काम नहीं करने दूंगा, मैं तुझे इस महल की रानी बनाऊंगा, बनेगी ना, तुझे तो चांदी के बर्तन में खाना खिलाऊंगा, गहनों से लाद दूंगा, गहने नारियल बर्तन चांदी के। अरे तूने तो कुछ नहीं मांगा, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। ये बर्तन ये जेवर, मैं तो तेरा गुलाम हूं, अब तू मुखड़ा दिखा दे, बत्ती बुझा दूं, शर्माती है। अरे लाली 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 लाला, ए लाला लाला, ए लाला लाली लाली। अरे आदेश लाली, लाली क्यों दिला रहा है, लाली भाग गई। क्या बात कर दो, लाली भाग गई, लाली तो घर पे बीमार पड़ी है। हाँ मैं यही तो कहने आया था कि वो आज नहीं कल आएगी, आज नहीं कल आएगी। हाँ तो फिर वो कौन आके गई, कौन? वो एक आई थी मेरे चांदी के बर्तन जेवर लेके भाग गई। क्या बात करते हो, तुम तो बैठ गए हो लाला। मैं कहता हूँ वो लाली नहीं थी बल्कि कोई भूत था। अच्छा हुआ बर्तन गए तुम नहीं गए। लाला मैं सच कहता हूँ तुम मोहब्बत में बिल्कुल अंधे हो गए हो। हाँ बटे सर मैं मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। अच्छा हुआ तुम सिर्फ अंधे हुए और तुम्हारी जान बच गई। हाँ जान तो बच गई, लेकिन बटे सर लाली क्या क्या कहती थी। बस उसकी जबान पे तो एक ही मुखड़ा है, मेरा लाला बड़ा मतवाला, मेरा लाला बड़ा मतवाला। अच्छा आगे आगे जैसे ही तुम्हारी बात निकली और लाली की आंखों से आंसू निकले, तुम्हारी बात आगे आंसू पीछे, आंसू आगे तो बात पीछे, बस रात भर यही चक्कर चलता रहा। वो क्यों? मोहब्बत में ऐसे ही होता है भाई। हाँ यार मैं भी कभी कभी मोहब्बत में रो देता हूँ। और आगे क्या क्या बातें हुई? अब मैं नहीं बताऊंगा, जब वो कल आएगी ना तो तुम खुद ही पूछ लेना। वो कल आएगी ना? हाँ आएगी, जरूर आएगी। अरे बिल्कुल आएगी, तू ले आएगा ना? अरे हाँ बाबा मैं लेकर आऊंगा, मगर 100 रुपया निकालो। 100 रुपया? हाँ। अच्छा बटेशन, हाँ? कल तू उसे ले आ, मैं तुझे 5 रुपया दूंगा। 5 रुपये? अच्छा तो ऐसा करो 125 रुपया अभी दे दो और 4 जब कल शादी की बात पक्की हो जाए ना जब दे देना। लाओ निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। अच्छा ये 1 रुपया और ये 54 पूरा। अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। माँ तेरी मनोकामना पूरी हो गई, माँ तेरी मन इच्छा पूरी हो गई, माँ मैं सोना पार हो गई, सोना पार हो गई, माँ लेटी वाटूंगा तेरे वाटूंगा सोना। बच के कहीं
पतली कमर ना लचके ठुमक जरा रुक रुक के सुन हुकुम है ये सरकारी छिन जाएगी नंबरदार न तक मुझे झुक झुक के हो जरा बचके बलिए बचके कहीं पतली कमर ना लचके ठुमक जरा रुक रुक के सुन हुकुम है ये सरकारी छिन जाएगी नंबरदार न तक मुझे झुक झुक के जरा खिड़की में जरा सोच के बातें करना भला आशिक का क्या मरना जो मर जाए खिड़की में जो मर जाए खिड़की में ओ जरा बच के बलिए बच के कहीं पतली कमर ना लचके धमक जरा रुक रुक के सुन हुकुम है ये सरकारी किन जाएगी नंबरदारी न तक मुझे छुप छुप के तो सारा जग खो गया मेरा तो सारा जग खो गया खुश रहते जो होती काली गोरे रंग ने मुसीबत डाली के सारा जग बैरी हो गया के सारा जग बैरी हो गया जरा बच के ओ बलिए बच के कहीं पतली कमर ना लचके ठुमक जरा रुक रुक के रब हो तो ऐसा हो और रब हो तो ऐसा हो जुड़े दिल से दिल का डाका मुझे मिल जाए तुझ सा बाका गजब हो तो ऐसा हो गजब हो तो ऐसा हो ओए बुल्ला जर बच के ओ बलिए बच के कहीं पतली कमर ना लचके ठुमक जरा रुक रुक के सुन हुकुम है ये सरकारी छिन जाएगी नंबरदारी न तक मुझे झुक झुक क्या बताऊं
जो तुम कहना चाहते हो। जब आप मेरे पास नहीं होते तो मैं उदास हो जाती हूँ, और जब आप मेरे पास आते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। डर? मुझसे तुम्हें डर लगता है? जी नहीं, आपसे नहीं, लोगों से। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो। तुम तो मेरे दिल की गहराइयों में इतना डूब चुकी हो, अब तो तुम्हें मैं भी नहीं देख सकता। जी आप ही जानते हैं ना कि मैं गरीब और आप। प्यार मेरी गरीबी नहीं देखते। लेकिन मैं गरीब टांगे वाली की बहन और आप। प्यार रुतबा नहीं देखा करता। अगर आपके पिताजी ने कहीं देख लिया तो मैं उस रुतबे को तोड़ दूंगा। मगर तुम्हारे भाई को तो कोई इतराज नहीं है। तो जाओ, जाकर अपने भाई से कह। मैं कैसे? तो मैं जाकर अपने पिताजी से कह। डर किस बात? राज बाबू आपको यकीन है ना? यकीन किस बात का? ये आपके मेरे दरमियान और मेरी गरीबी का फासला कहीं आपको मुझसे दूर तो नहीं कर देगा? दूर? अब तो हम दोनों कोई दूर नहीं कर सकता। कोई हलवाई हूँ, जब मांगती है मिठाई मांगती है। तुझसे और क्या मांगूंगी? तेरी बहन के लिए मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाई हूँ। लड़का ढूंढ के लाई है? और तू? हाँ हाँ, मैं ही तो ढूंढ के लाई हूँ। कौन है वो, क्या करता है? मिल में काम करता है, मिल में। कल सुबह घास मंडी आकर देख लेना। निर्दयी, वो तो तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। देख लाली, झूठ मत बोल। तू दरअसल सोना से जलती है और चाहती है वो घर से चली जाए और तू घर की मालकिन बन जाए। क्या कहा? मैं सोना से जलती हूँ? नहीं तो क्या, इसीलिए मैं तुझसे शादी नहीं करता हूँ कि नंद भावेश का झगड़ा ना हो। मैं झगड़ालू हूँ। और नहीं तो क्या है? झगड़ालू हूँ तो मैं चली जाना। देख कालू, मैं चली जाऊंगी। खड़े क्यों? जाना। अब तू बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगी। मेरे दिन नहीं फिरे जो मैं आपको बुलाऊंगा। चलिए। अरे दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो इस घर के लिए पराई हूँ, झगड़ालू हूँ। तुझे देख के जलती हूँ, तेरी दुश्मन हूँ। भैया, तुमने जरूर कुछ कहा होगा दीदी को। सोना, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं तो पागल हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तो भैया को ठीक करती हूँ। आओ ना। देखो भैया, अगर तुमने कुछ दीदी को नहीं कहा तो मेरी प्यारी दीदी नाराज कैसे हो गई? अरे बाबा, मैंने इससे कुछ नहीं कहा, जरा सी बात है। ये तेरे ब्याह के लिए एक लड़का लाई है, कल सुबह जाकर उसे देखना और मैं तैयार हूँ। मैंने सिर्फ इससे पूछा कौन है, क्या है, कहाँ है, इसी सवाल जब मैं उसे बिगड़ गई। सोना लड़के का नाम सुनकर उदास हो गई। इतना भी नहीं समझती, लड़की प्राय घर जाने का नाम सुनकर उदास नहीं होगी तो क्या खुशी होगी? लेकिन मेरे घर आने के लिए तो तू तड़पती है। फिर वही बात। कहाँ चली? अपने घर। फिर नाराज हो? तुमने बात ही ऐसी की है। ओ भाई, आज से मुंह बंद। ये बात नहीं ना, सोना के ब्याह शादी का मामला है, जा तुझे माफ किया। मगर एक बात नहीं भूलना, कल सुबह खास मंडी जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ए सुना, मैंने तेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है, देखेगी तो खुश हो जाएगी। का नाम सुनकर उदास हो गई तू? तू समझती होगी कि पराए घर जाके मुझसे दूर हो जाएगी। पगली, तू कहीं भी हो, तेरा भैया हमेशा तेरी आंखों के सामने रहेगा। इधर देख, देख। पगली कहेगी, हाँ?
गुलाब की कली नाजों की पली है। पापा पापा अबे अबे ये पापा इधर तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उधर किया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सुन, वो लड़की का भाई कालू है ना, तुझे पसंद करने के लिए आने वाला है, और लाली तेरी वकालत करने वाली है। अगर लाली ने तुझे कालू को जचवा दिया ना तो फीस क्या देगा तब? समझ गया समझ गया समझ गया, जो मांगूंगा देगा। क्या? हाँ, इसी बात पे चवन्नी एडवांस की निकाल जल्दी से चिलम के लिए। जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल। चला जा, लाली तेरा इंतजार कर रही है। अरे आशीर्वाद तो ले जा। आज डबल कमाई हो गई, एक से दो। तू आ गया? हाँ, बैठ बैठ, कालू अभी आता ही होगा। कालू आ गया। अरे बैठ जा बैठ जा। हाँ यहाँ इसके ऊपर बैठो बैठ। तो है नाम क्या है? अरे बता ना, कालू क्या पूछ रहा है बोल। नहीं बोलता, बहुत शर्मीला है, लोग इसे रामू कहते हैं, मगर कालू इसका असली नाम रामचंद्र है। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, कितनी जमाने पढ़े हो? बता ना, तेरे सामने नहीं बोलता, मिल में नौकरी करता है, 60 रुपये पगार मिलती है इसको, 8 की 8 जमाते पास है। तुम सिर्फ 8 जमाते पढ़े हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अरे बोल बोल, बता अपने बाप का नाम। बस भी कर, इतना शर्माता क्या है, बता। तोताराम गई फीस, कम वक्त बोल ही गया। सारी उम्र तो घास ही काटते रहना, ये लड़का लाइए सोना के लिए। क्या बुराई है इसमें, खाता पीता नौकरी करते हैं, हमारी सोना सुख से रहेगी इसके साथ। सोना सुख से रहेगी? अरे वो तो इससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसने 10 जमाते पढ़ा है। तो क्या हुआ, इसने 8 पास की है, उसने 10 पास की है, 2 जमात का ही तो फर्क है। ये बात तेरी खोपड़ी में नहीं बैठेगी। अरे मैंने भूखे प्यासे रहकर पसीना बहाया, उसे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि इसके हवाले कर दूं। मैं 1-2 बरस और इंतजार कर लूंगा, लेकिन उसकी शादी अच्छे घराने में करूंगा, किसी पढ़े अच्छे लड़के से करूंगा। आखिरकार मैं सब कुछ सोना की जिंदगी के लिए ही तो कर रहा हूँ। अरे निर्दयी, सिर्फ सोना के लिए ही नहीं, तुझे कुछ बिरजू के लिए भी करना है। बिरजू के लिए तू कर लेना, और तेरा लाया वो लड़का तो देख ही लिया मैंने, सोना के लिए मैं खुद ब खुद लड़का ढूंढूंगा, समझी? दीदी तुम मेरे को दाल दे, दीदी भाजी ने तुम मेरे को दाल दे। दीदी क्या सोच रही है? कुछ नहीं। फिर तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करती? कर तो रही हूँ बिरजू। भैया आ गए, भैया आ गए। भैया आज तो सुबह से दीदी बात नहीं कर रही, क्या मालूम क्या सोच रही है। क्यों भाई, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं भैया, ये तो खामा खा ऐसे बोले जा रहे हैं। देख सोचना मेरा काम है, तू अपने मस्त रहा कर, तुझे किस बात की कमी है। अरे ये क्या दाली डालती जा रही है, ला सब्जी भी तो डाल, सब्जी डालती जा रही है। अरे प्याज भी तो दे भाई, तुझे हो क्या गया सोना, चल हरी मिर्च डाल तो। भैया तुम क्यों हंस रहे? बिरजू आज तो कुछ हंसने जैसी बात है, लाली जगह में हंसी आ रही है। पता क्या हुआ, वो थे दीदी के लिए लड़का ढूंढ के लाई, एक तो 8वीं पास और ऊपर से अकला। तेरी बात कहना हो, सोना बुलाना हो तो कैसे बुलाएगा, कहेगा सो 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 सोना। मैंने तो उसी वक्त इनकार कर दिया, बिरजू मैं तो अपनी सोना के लिए ऐसा लड़का लाऊंगा जो इससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और जब हमारे दरवाजे पे तो लोग देखते रह जाए, क्या समझा मिया? लो भैया, अरे झूठा डर लगा भैया, कौन है तुम, कितने थके हो भैया, खाओ ना भैया, खाओ
रखना मेरा नाम है मोहब्बत मेरा नाम याद रखना मेरी पहली आरजू का ये सलाम याद रखना जहां दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना जहां दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना पहले आरज़ू का
ये सलाम याद रखना। तूने इतना तो सोचा होता पगली, कहां वो ठेकेदार का लड़का और कहां तू एक गरीब तांगे वाली की बहन। कितना बड़ा फासला है सोना। तूने अपने भाई की हैसियत को तो देखा। सब सोचा है सोना, इसमें तेरा भी क्या कसूर है? प्यार अमीरी गरीबी कहां देखता है पगली, ये तो आत्माओं का बंधन है। सोना, अगर मैं तेरी शादी ठेकेदार के लड़के से कर दूं तो तू सुखी रहेगी ना? पगली, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं? तेरे लिए ही तो कर रहा हूं। तेरे लिए जो कुछ करना पड़ेगा सोना मैं करूंगा। मैं ठेकेदार के पास जाऊंगा और पगली में सारी उम्र की गुलामी लिख दूंगा, लेकिन उसका लड़का तेरे लिए लेकर आऊंगा। दान दहेज नहीं दे सकता तो क्या हुआ, एक सुशील पढ़ी लिखी लड़की तो दे सकता हूं। देख सोना, वो बक्सा है ना, उसमें बाबा की चौबंदी है। वो कभी कभी उसे शुभ कामों में पहना करते थे। ला तो जरा देख। ठेकेदार साहब, आपने काफी कालू में ले आया। कौन जी? कालू आपका कागज लाता है ना? कालू बुलाओ, उसको अंदर बुलाओ। जयराम जी की माले। जयराम जी, आओ अंदर आओ। क्यों, कैसे आना हुआ? जी कुछ काम है। जी मालिक। हाँ बैठो बैठो बैठो। क्यों, कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं मालिक। फिर और क्या बात है? बात यह है मालिक, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, बड़े शौक से कहो भाई। मेरी एक बहन है मालिक, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कालू, बड़ी धूमधाम से करो अपनी बहन की शादी। मेरे ख्याल में लड़का तुमने अच्छा ही ढूंढा होगा। हाँ मालिक, लड़का तो लाखों में एक है, पर ये सब आप पर है। तो ठीक है, कर लो बात पक्की। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, और अगर लड़के वालों के यहाँ मेरे चलने की जरूरत है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बात यह है मालिक, मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे के साथ करना चाहता हूं।
किस सोच में पड़ गए मालिक? यही कि वो लड़की गरीब तांगे वाले की बहन है। ये भाई आपको दान दहेज नहीं दे सकता, लेकिन एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की तो दे सकता है, और आपको तो सिर्फ एक अच्छी बहू की जरूरत है मालिक। बाकी तो सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है। क्या बात कर रहे हो कालू? कहने से पहले कुछ सोचा तो होता कि मैं एक ठेकेदार हूं। मेरा अपना समाज है, बरादरी है, कुनबा है, रिश्तेदार है। तो कह रहे हैं पिताजी, आपका समाज, आपकी बिरादरी, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर उस रात मेरी इज्जत लुट जाती तो फिर आप देखते अपने समाज और अपनी बिरादरी को। सरे बाजार आपकी पगड़ी उछाल देते पिताजी, और आपकी बेटी सारी जिंदगी कलंकनी बनके आपके घर में। आप उस आदमी के आगे समाज और बिरादरी का हवाला दे रहे हैं जिन्होंने एक दिन आपकी बेटी की इज्जत बचाई थी। आप इन्हें भूल सकते हैं पिताजी, मैं नहीं भूल सकती। पर मैं ये रिश्ता कैसे जोड़ सकता? ये हालात के गरीब हैं पिताजी, दिल के नहीं। मेरी झोली भर दो मालिक। कालू, मैं समझ गई, आपकी नजरों में कालू भैया नहीं, इनकी गरीबी खटक रही है पिताजी। आप में और इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है ना कि आपको मेरी शादी के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ेगी, और इन्हें आज आपसे भीख मांगनी पड़ रही है। गरीब के एहसान का बदला चुका दीजिए पिताजी। ना मैंने उस दिन इनकार किया है ना आज कर रहा हूं। लो ले लो जितना जी चाहे। लड़की की इज्जत को चांदी के चंचुकों से आखिर तोल ही दिया आपने मालिक। अगर उस रात में वहां नहीं पहुंचता और मालती बहन की इज्जत लुट जाती तो शायद उस वक्त भी आप लोगों का मुंह पैसे के जोर से बंद कर देते, क्योंकि आप दौलतमंद हैं। बंद करो। मालिक, मेरी बहन की मासूम मोहब्बत को लोग कलंक लगा देंगे। मैं कहता हूं तुम चले जाओ यहां से। मैं तो चला जाऊंगा मालिक, पर काश मेरे पास भी चांदी के चंद टुकड़े होते और आज आपकी बनाई हुई बिरादरी में मैं भी गिना जाता तो आप मेरे दरवाजे पर चल कर आते और कहते कि मेरा बेटा कबूल कर लो। नहीं मालिक, मैं आपको देवता समझता था, लेकिन हर पैसे वाला कुरेदने पर ऐसा ही होता है जैसे कि सभी। कहाँ जा रहे हो? जाने मत। पागल हो गए हो? बच्चों जैसी बातें करते हो। माता मैं जाना। मैं पिताजी को। मैं भी झूम लूँगा माता। राजू, मुबारक हो पिताजी, राजू घर छोड़ के चला गया है। क्या? दौलत से ये रोशनी तो खरीदी जा सकती है पिताजी, मगर वो रोशनी नहीं। मुझे आज मालूम हुआ कि आपको औलाद से ज्यादा दौलत प्यारी है। कितनी अजीब बात है, लोग औलाद के लिए दान धर्म करते हैं, मन्नतें मानते हैं, पर आपने उस औलाद को अपनी छोटी इज्जत के लिए ठुकरा दिया, और वो भी बेटे को जो घर का चिराग कहलाता है। ये खानदान रोशन हुआ करते हैं। अगर आपको अपनी दौलत और ये बिरादरी वाले इतने ही प्यारे हैं तो रखिए इन्हें संभाल कर। अब जाइए अपनी बिरादरी वालों के पास और इन्हें कहिए कि आपको दौलत के बदले एक बेटा ला कर दे दे। अच्छा प्यार दिया है आपने मेरे बच्चों को। क्या आपने यही वचन दिया था कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों को आप घर से निकाल देंगे? जब आप दो राजू के पिता, कौन सा पाप क्या है मेरे बेटे ने जो आपने उसे घर से निकाल दिया? इसलिए कि उसने एक गरीब लड़की से प्यार किया है। याद कीजिए, आप भी तो एक दिन गरीब थे। उस रात आपकी बिरादरी वाले कहाँ चले गए थे जब मेरी लाश कफन के बगैर जला दी गई थी? गंगा!
कालू, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मालिक, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा ना कहो कालू, आज से तुम मेरे संबंधी हो, बस शगुन की तैयारियां करो। कालू भैया मुबारक हो। हाँ कालू। मालिक, मुझसे जो कुछ पड़ा मैं ले आया हूँ। ठीक है कालू, शादी इस महीने की 16 तारीख तक हुई। 16 तारीख इसी महीने की? इसी महीने का शुभ दिन निकला। अच्छा मालिक, मैं आपके स्वागत में कोई कसर उठा न रखूंगा। ठीक है कालू। भैया सोना दीदी तो रोती जा रही है, रोती जा रही है। सोना दीदी रोती जा रही है? अगली सोना नहीं होगा। और सोना, मेहनत करना तो मेरा काम है, मुझे मेहनत करने दे। और ले दे कि तू मेरी एक ही तो बहन है, मैं चाहता हूं तेरी शादी इतने शौक से करूं सोना के मोहल्ले वाले देखते रहें। तुझे तो चाहिए मुझे हिम्मत दे सोना, ताकि मैं तुझे राजी खुशी डोली में बिठाऊं। कालू, क्या बात है कालू? अरे लाली कुछ भी तो नहीं, काम धंधे में मैं 4-5 रोज घर नहीं आया तो कहने लगी कि शगुन लौटा दो। अरे इससे पूछो पगली से, शादी ब्याह का मामला है, इसमें दौड़ धूप नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? और फिर हर बात का ख्याल रखना पड़ता है, जरा सी बात इधर से उधर हो जाए तो लड़के वाले बिगड़ जाएंगे, और फिर इन कामों में रुपए पैसे की भी तो जरूरत है ना। सुनो, ये तो कैसी बातें करती है आजकल। अरे पगली, तेरा भैया ठीक ही तो कहता है, दौड़ धूप नहीं करेगा तो रुपए कहां से आएंगे? तुझे मेरी कसम, अब नहीं रोना। अरे लाली, आज तारीख क्या है? 5 तारीख। अरे 10 ही दिन तो बाकी रह गए। देखो लाली, कल से घर में शादी के गीत होंगे, दरवाजे पे शहनाइयां बजेंगी, और जाकर मोहल्ले वाले की सब औरतों को बुलावा दिया। मैं कल ही जाकर मोहल्ले में सबको कह देती हूँ। दिन नहीं समझा न रात को रात, और सिर्फ ये 200 रुपए कमा सका। कल सोना की शादी है। तो क्या हुआ कालू, कल हो जाएगी शादी? कैसे हो जाएगी लाली? सोना को मंडप में बिठाने के लिए कंगन और कपड़ों का जोड़ा भी तो चाहिए, 300-400 रुपए और हो जाते, और फिर बरातियों का स्वागत भी तो करना है अच्छा खाना पीने से। ये कोई जरूरी नहीं कालू, जो भी हमसे बन पाएगा हम उनके सामने रख देंगे। ये कहने को तो ठीक है लाली,
मगर ये मत भूल, लाली का रिश्ता मैंने अपने से बहुत ऊंचे घर में बांधा है, मिन्नत समाजित करके बांधा है, सोना के सुख के लिए बांधा है। अगर किसी बात की भी कमी रह गई तो वो सारी उम्र ससुराल वालों के ताने सुनती रहेगी, उसका जीना दूभर हो जाएगा, मैं उसे जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा सकूंगा। तो क्या कल उसकी शादी नहीं होगी? कैसे होगी लाली, यही सोच रहा हूं, ये सब कुछ कैसे होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे ही वालिद का सिखाया हुआ है ना, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, क्या बकवास है, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, पलटी मार, पलटी मार, पलटी मार, बड़के बुद्धन, शाबाश बुद्धन, बड़के बुद्धन, शाबाश बुद्धन, बड़के शेरू, बड़के बुद्धन, पलटी मार, पलटी मार, पलटी मार, पलटी मार, पलटी मार, पलटी मैं तो कहूंगा शेरू हारा नहीं, क्या आपका तुम जवाब कर पीछे हुजूर, मेरा ख्याल है कि आपके शेरू ने लड़ना ही मुनासिब नहीं समझा। साहब एक बार भी और होगी जी हाँ जी, तब मालूम होगा कि मेरा शेरू कैसे पीछे हटता है। नवाब साहब कौन कहता है आपका शेरू पीछे हटा है, ये आपका जो चमचा है ना, माफ कीजिए फिर गलती है, ये भाई साहब ने जो फरमाया ना कि उसने लड़ना मुनासिब नहीं समझा, ये हकीकत है, इसलिए कि मेरे मुर्गे का कलर सफेद है ना व्हाइट व्हाइट। एक बाजी फिर होकर ही रहेगी बटेसा साहब, तब बात बनेगी। देखिए ना नवाब साहब, मुझे तो पहले ही मुर्गे ने जीत कर शर्मिंदा कर दिया है। अब चाहते अगर आप मुर्गे लड़ाना नहीं चाहते तो सांड लड़ा लीजिएगा। सांड? क्या बात कर रहे हैं आप नवाब साहब, देखिए ना मुर्गा तो चवन्नी में पल जाता है और सांड तो बहुत ही खतरनाक। अगर आप सांड भी लगाना नहीं चाहते तो पहलवान अखाड़े में उतार दीजिए, और अगर पहलवान भी अखाड़े में नहीं उतारना चाहते तो तलवार निकाल दीजिए, और अगर आप तलवार भी नहीं निकालना चाहते तो शतरंज की एक बाजी हो जाए, मगर बाजी एक न एक होकर ही रहेगी आज। मगर आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे बाजी से इनकार कब है, लेकिन आप जरा ये देखिए ना कि हाँ ये बताइए आपके पास कोई भागने वाला घोड़ा है? अच्छा क्या कहा, घोड़ा? बेहोश हो जाएंगे हुजूर अगर घोड़ा को देख लेंगे। एक गुस्ताखी माफ हो नवाब साहब, मैं मुर्गे को भी देखकर बेहोश हो गया था। अजीब मुर्गे की बात को छोड़िए, ये बाजी बहुत महंगी पड़ेगी आपको, पहले घोड़ा देख लीजिएगा उसके बाद में बचपना कीजिएगा। आइए ये ऐलान किया जाता है कि आज दिन के 3 बजे आजाद मैदान में एक टांगों की रेस होगी, उस रेस में जो तांगे वाला नवाब कल्लन के तांगे को हराएगा उसे नवाब साहब की तरफ से नकद 500 रुपए इनाम दिया जाएगा।
मीठी लग रही है तुम। दीदी पता ही होगा, जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। ये रहे कंगन और ये रहा जामा जोड़ा, 140 रुपए कंगन का और 150 रुपए जामा जोड़ा के, कुल हुए 290 रुपए। 290 रुपए? हाँ, ये 100 रुपया, ये 200 रुपए और 90 रुपए। क्यों लाली, इन्हीं कपड़ों में तो सोना को मंडप में खाएगी। अरे नहीं शांति, कैसी बात करती है, मंडप का जोड़ा और कंगन तो काली लेने गया है, अभी आ जाएगा। पर कालू का अभी तक पता नहीं, बराती और खाना पीना का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा काका, बस सिर्फ कालू के आने की देर है। कालू कहाँ है उसका कुछ पता ही नहीं, बुलाओ ना उसे। ठेकेदार साहब, कालू अभी आता ही होगा,
फिक्र मत कीजिए। अरे भाई किसी को भेजो कालू का पता लगाने के लिए। अभी भेजती हूँ। जल्दी से जा कालू का पता तो लगा क्या। जब शादी का मुहूर्त निकल जाएगा तब आएगा वो। माधु गया है कालू को लेने। कालू भी आता ही होगा। आता ही होगा, आता ही होगा। सुनते सुनते खा थक गए। कन्यादान तो हो ही जाएगा पर लड़की के मंडप का जोड़ा और कंगन कहाँ है। कमाल है, लड़की के मंडप का जोड़ा और कंगन तक नहीं। फिर कालू ने ये शादी रचाई क्यों? मंडप का जोड़ा नहीं है तो क्या हुआ ठेकेदार साहब? क्या गरीबों की शादी इसके बगैर नहीं होती? कालू ने हमें धोखा दिया। चलो राजू वापस चलो। शरीर की जिंदगी बर्बाद। कालू भैया, सोना को दुल्हन बना दो लाली। देखो खाने पीने का सामान भी निकाल लो। मुझे आने में देर हो गई ठेकेदार साहब। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपके इतने सभी राजी वालों से माफी चाहता हूँ मालिक। माँ देख, तेरी सोना कितने बड़े घर की इज्जत बन के जा रही है।
ठेकेदार की बहू जिसकी मैं नौकरी करता हूँ। माँ अगर आज तू जिंदा होती तो तुझे कितनी खुशी होती, मैं कितनी खुशी होती। इसे आशीर्वाद दे माँ, इसे आशीर्वाद दे, इसका सुहाग अमर रहे, इसका सुहाग अमर रहे। विदाई का समय हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मालिक मेरी ये एक ही पूंजी थी मालिक जो आपके हवाले कर रहा हूं, यह भी ना समझ है, इसकी छोटी मोटी भूल माफ करते रहना मालिक। मालिक मैं आपको कुछ नहीं दे सका, मेरे पास था ही क्या मालिक जो मैं आपको देता, पर आपने मुझे वो इज्जत दी है, वो इज्जत दी है जिसके मैं काबिल नहीं मालिक। ऐसा ना कहो खाली, तुम मेरे संबंधी हो, आज से तुम्हारी बहन मेरी बेटी है।
हाथ में लाल चूड़ा, तेरे माथे पे बिंदिया, तेरी मांग में सुहाग का सिंदूर। ऐसे लोग अपनी एक ही लड़की को अच्छी तालीम देने के लिए और उसे एक अच्छे घराने में ब्याहने के लिए अपनी जानें देते रहेंगे।